हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे यूपी मेट्रो का जो स्टेशन कंट्रोलर है उसके एग्ज़ाम के बारे में। उसके बारे में हमारे चैनल पे कम्युनिटी सेक्शन में एक भी सर्वे हो रहा है जिसमें कि आप कट ऑफ को लेके आपका क्या सोचना है उसके ऊपर बात हो रही है। सो प्लीज़ आप जाइए उसमें वोटिंग कीजिए। अभी तक उसमें लगभग 230 के आसपास वोटिंग हो चुकी है। तो कल मैंने पोस्ट किया था उसमें 230 तक आया था, तो मैंने आज उसको कंसिडर किया है और मैं अब उसके अलावा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ लगभग 500 वोटिंग हो जाने के बाद उस पर एक डेटा तैयार करने के लिए। सो प्लीज़ उसको जाके आप वोट कीजिए। और अगर आपको आज का वीडियो जो होगा वो रिज़ल्ट और जो आपका कट ऑफ है उससे रिलेटेड होगा, और आपका क्या मानना है अभी तक जो बच्चे वोट किए हैं उनका क्या मानना है आपको जो कट ऑफ को लेके उसके बारे में हम बात करेंगे। सो आइए सबसे पहले देखते हैं। अगर देखिए वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और वोटिंग ज़रूर कीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए। उस पर गवर्नमेंट प्राइवेट हर तरह की जॉब के लिए वहाँ पे आपको लिंक होता है वो प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पे जो नोटिफिकेशन होता है आपको मिल जाता है। सो प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कीजिएगा और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो सीटों की संख्या थी 186 थी, जिसमें कि आपको ध्यान होना चाहिए कि महिलाओं के लिए रिजर्व है। और एक और चीज़, जो कल जो वोटिंग हो रही थी उसमें मैंने सिर्फ आपको SCTO के लिए मैंने पूछा था, स्टेशन कंट्रोलर के लिए मैंने पूछा था। तो हमारे कुछ महिलाएं मित्र हैं जो और हमारी बहनें हैं, उनका कहना था कि आपको मेल और फीमेल दोनों का अलग वोटिंग कराने के लिए, ठीक है। तो अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी तो कॉमन में ले रहा हूँ, इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपको अलग अलग भी एक बार वोटिंग करा ली जाए। और कोशिश करता हूँ कि आज ही मैं इसको पोस्ट करता हूँ जिससे कि आपको आज से ही आपको वो डेटा मिलना शुरू हो जाए। सो अगर जो महिलाएं और पुरुष का जो अगर अलग अलग डेटा रहेगा तो इससे क्या होगा कि आपको एक एनालिसिस देखने को मिलेगा कि हाँ कट ऑफ किस तरफ मूव कर सकता है और मेरा जो प्रिडिक्शन है वहाँ से आप किधर जा रहे हैं। और फिर उसके बाद हम देखेंगे एक कम्बाइंड डेटा जिससे कि आपको पता चलेगा मेरा और आपका ओपिनियन मिला के कि क्या होना चाहिए, एक्चुअल जो आपका कट ऑफ होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि आज के जो कट ऑफ है उसके बारे में। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो टोटल सीटों की संख्या थी 186 थी, जिसमें कुछ महिलाओं के लिए भी रिजर्व थी, ठीक है। और उसके बाद हम देखिए यहाँ पे जो इसमें टोटल क्वेश्चन थे 140 थे, यहाँ पे मेंशन कर रखा है जो कैरिंग इक्वल मार्क्स ईच, यानी 140 मार्क्स के आपका एग्ज़ाम था। अब जो साइको के लिए जाएंगे उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि टोटल 8 टाइम्स कैंडिडेट हैं जो साइको के लिए जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जो हम कल जो हमने वोटिंग करवाया था, जो आपसे वोट लिया था, आपसे ओपिनियन मांगा था, उसमें देखिए जो आपका वोटिंग था उसमें आपने बताया 95-100 के बीच में 48% वोटिंग आ रही है, और जो 90-95 के बीच में 8% और 85-90 के बीच में 13% और 80-85 के बीच में 9% और जो 75 है उससे 80 के बीच में 21%, ठीक है। तो ये वोटिंग जो है ये आपका मानना है और आपके वोट्स हैं। अब मैं देखता हूँ जो हमारा प्रिडिक्शन है हमारे चैनल का और हमारे जो डेटा मिला था सबसे पहले उसमें क्या आ रहा था साइको के लिए, उसका बात करेंगे हम। तो साइको के लिए मेल के लिए जो आ रहा था 78-82 के बीच में UR के लिए जाएगा, और OBC की बात करें तो 73-75 के बीच में जाने के चांसेस हैं, और EWS के लिए 70-74 के बीच में, और SC के लिए 63-66 और ST के लिए 58-61। अब हम देखते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए। तो फीमेल कैटेगरी में देखिए UR के लिए 60-65, OBC के लिए 57-62 और EWS के लिए 58-62 और SC ST के लिए 50-55 के बीच में जाने के चांसेस हैं। अब इसमें इस वीडियो में हम एक और चीज़ देखेंगे। इस वीडियो में देखेंगे कि जो साइको के लिए अगर बच्चे आपको लगता है कि आप वहाँ पे कंफर्म आपकी सीट रिजर्व है, आप वहाँ पहुँच जाएंगे, तो आपके लिए बुक कौन सी अच्छी रहेगी, क्योंकि बार बार बुक के बारे में पूछा जा रहा था और टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूछा जा रहा था। तो देखिए अभी मैं बुक के बारे में बता पाऊँगा, टेस्ट सीरीज़ के बारे में अभी देख रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी तक किसी चैनल पे स्टार्ट नहीं हुआ है और मैं अभी इस टाइम पे मतलब अभी फ्री नहीं हूँ। अगर हो सकता है मैं फ्री हूँ तो मैं भी ये स्टार्ट करूँ, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है। तो मैं दूसरे के लिए मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप किस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए जो आपका साइको होता है उसमें 5 तरह के एग्ज़ाम होते हैं, 6 तरह के सॉरी, जिसमें कि आपको मेमोरी टेस्ट होता है, डायरेक्शन फ्लोइंग टेस्ट फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट होता है, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट होता है और कंसंट्रेशन टेस्ट होता है, उसके बाद होता है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट होता है। और उसके बाद आप देखिए कि जो बुक का लिस्ट है उसके बारे में मैं बात करूँगा कि बुक के लिस्ट में देखिए आपको 2 बुकें हैं जो कि आपको कंपलसरी आपको ख़रीद लेनी चाहिए और दोनों अलग अलग हैं, आपको जो अच्छा लगे आप खरीद सकते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सॉरी
जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो बीके सिंह का है और जो कार पब्लिकेशन का है, उसमें बोला गया है दिस बुक इज़ बेस्ड ऑन रिवाइज सिलेबस एंड कंसिस्ट ऑफ प्रीवियस सॉल्व पेपर। प्रीवियस ईयर का कुछ सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा इसमें। अगर पी के मिश्रा कर लेते हैं उपकार पब्लिकेशन का, तो फॉलो द न्यू पैटर्न एंड सिलेबस एंड हैज़ लेटेस्ट रिवाइज मटेरियल टू ऑफर। तो यहाँ पे रिवाइज मटेरियल दोनों में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद एक और चीज़ बोला गया है कि विथ दिस इनलार्ज एडिशन प्रिपरेशन बिकेम ईजी एंड टॉपिक आर मेड क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड। मतलब ईजी आपको कर दिया जाएगा, जिससे क्या आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों बुक हैं, आप कोई भी प्रेफर कर सकते हैं, पहला या दूसरा, ये दोनों में से कोई। मैं किसी पे ये नहीं कहूँगा कि आपको ये लेना चाहिए, कोई मैं आपको यहाँ पे प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ किसी भी चैनल किसी भी बुक का। सो आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, दोनों अच्छी बुक है, उसी को मैंने कंसीडर किया है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं रिज़ल्ट के बारे में। देखिए रिज़ल्ट जो इसका आपको देखने को मिल रहा है वो आपका मतलब जून के लास्ट वीक तक जाएगा, जो आपका रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं। अभी मतलब आपको 20 जून से पहले तो रिज़ल्ट आएगा ही नहीं, ये तो कन्फर्म है। और जो भी रिज़ल्ट है वो जून के लास्ट वीक में आपका आपको देखने को मिलेगा। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। प्लीज़ जाइए और वोटिंग कीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों का आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। जॉब का हर तरह की जॉब आपको मिलेगी, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर हो रहा है जॉब तो वही मिलेगी, किसी गवर्नमेंट पॉलिसी सन प्रोग्राम में अगर निकला वैकेंसी तो उसमें भी मिलेगी। यूनेस्को तक का जॉब जो होता है मैं वहाँ पर पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर आप जाके वहाँ वोट भी कीजिए हमारे कम्युनिटी सेक्शन में, जिससे कि हमें एग्जैक्ट डेटा मिल सके और उसके बाद हमें कंबाइंड डेटा पे काम कर सके। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद।